गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज नीड ऑफ कास्केड मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कास्केड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर? सो एन एम्पलीफायर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. जस्ट एंड वन ब्रिक डज नॉट मेक हाउस. A single stage amplifier is not sufficient to construct a practical electronic system. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक amplifier जो मेरा एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम लोग उसको यूज़ करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जो ईटा होता है वो मेरा पूरा घर नहीं बना सकता. मीन्स पूरे घर बनाने के लिए हमको बहुत सारे ईंट का ज़रूरत पड़ता है. उसी तरह की किसी भी एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाने के लिए हमको बहुत ही जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो एक सफिशियंट नहीं होता. इसलिए उस सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टी स्टेज में कनेक्ट करते हैं, और ताकि हमको एक प्रॉपर और सफिशियंट एम्पलीफाइड आउटपुट मिल सके. ठीक है, द गेन ऑफ सिंगल स्टेज स्मॉल एम्पलीफायर इज़ लिमिट एंड इट इज़ नॉट सफिशियंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू अचीव मोर वोल्टेज गेन पावर गेन वी हैव टू यूज मोर देन वन स्टेज एम्पलीफिकेशन सच इज एम्पलीफायर इज कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब सिंगल स्टेज जो मेरा एम्पलीफायर था वो हमको गेन जो प्रोवाइड कर रहा था वो बहुत ही लिमिट होता है, सफिशियंट नहीं होता है किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए. इसलिए हम लोग ज़्यादा वोल्टेज गेन मिले, पावर गेन मिले, उसको क्या करते हैं, जो सिंगल स्टेज सीए एम्पलीफायर को रहता है उसको हम लोग कास्केड पे कनेक्ट करते हैं. उसी को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, टू अचीव दिस द आउटपुट ऑफ ईच एम्पलीफायर स्टेज इज कपल्ड इन सम वे टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज. इट मीन्स देखिए, अगर हम किसी को मल्टी स्टेज में कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए कि जैसे हम एक डायग्राम बना रहे हैं कि इसका इस पर हम इनपुट दिए तो इसका जो आउटपुट होगा ना वो इसके इनपुट पे कनेक्ट होगा. ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट पे कनेक्ट होगा. मीन्स जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट होगा वो नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट होगा. ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन होता है, इसको हम लोग कास्केडिंग बोलते हैं. ठीक है, द रिजल्टिंग एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज कास्केड एम्पलीफायर. ठीक है, इसको हम लोग सिंपली कास्केड एम्पलीफायर भी बोलते हैं. अ ट्रांजिस्टर सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन इज नोन एज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, अगर वन लाइन डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलिएगा कि ऐसा ट्रांजिस्टर जो इस पर एक से ज़्यादा स्टेज कनेक्टेड होता है उस तरह के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, अब हमको कास्केड की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ज़रूरत तो आप खुद ही जानते हैं. ठीक है, मेनी टाइम्स अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ करेक्ट मैग्नीट्यूड. ठीक है, जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है वो सफिशियंट हमको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, ऑल्सो इट डज़ नॉट प्रोवाइड मोर वोल्टेज गेन एज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन. जो जो अभी जस्ट बताया वही चीज़ लिखा हुआ है. ठीक है, द वोल्टेज गेन एंड पावर गेनर गेन ऑफ सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर इज लिमिटेड एंड इज़ नॉट सफिशियंट टू कंस्ट्रक्ट अ प्रैक्टिकल इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ठीक है, अब भी जो पढ़ा है बिल्कुल वही सेम चीज़ रिपीट है. देयरफॉर इट इन ऑर्डर टू अचीव मोर वोल्टेज गेन एंड पावर गेन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ मल्टी स्टेज और कास्केड एम्पलीफायर इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ठीक है, तो कास्केड का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर था वो सफिशियंट आउटपुट जैसे वोल्टेज और पावर गेन जो था वो हमको सफिशियंट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो इन यूज़ में नहीं आ रहा था प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में. तो उसको इन यूज़ में लाने के लिए उसको हम लोग कास्केडिंग किए और एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट पे कनेक्ट करके हम लोग कास्केडिंग किए और फाइनली आउटपुट जो मिला वो हमको सफिशियंट आउटपुट मिला, जो कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कास्केड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी स्टेज और कास्केड एम्पलीफायर आर एज फॉलोज. द फर्स्ट वन इज इट शुड हैव सफिशियंट लार्ज गेन. इसका लार्ज गेन होना चाहिए. ठीक है, इट शुड मैच इनपुट इम्पिडेंस विद द सोर्स इम्पिडेंस. ठीक है, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो सोर्स इम्पिडेंस से मैच करना चाहिए. इट शुड मैच आउटपुट इम्पिडेंस विद द लोड इम्पिडेंस. ठीक है,
ठीक है, जो एक किसी भी सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस और सोर्स इम्पीडेंस जो होना चाहिए वो दोनों लगभग मैच करना चाहिए, और आउटपुट इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस मैच करना चाहिए। इट शुड हैव एडिक्वेट लार्ज बैंडविथ, इसका बैंडविथ लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लॉक डायग्राम एज शोन इन अ फिगर। तो ये बेसिक क्या है मेरा, ब्लॉक डायग्राम है एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, जो कि हम लोग एन स्टेज तक कंसीडर किए। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज एक्ट एज द इनपुट ऑफ द इनपुट टू द सेकेंड स्टेज। ठीक है, वही चीज़ें, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकेंड स्टेज का इनपुट बनेगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेकेंड स्टेज एक्ट एज द इनपुट ऑफ द थर्ड स्टेज एंड शोन। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया। देखिए, फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकेंड स्टेज के इनपुट पे, सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेज के इनपुट पे, इसी तरह शो ऑन है। ठीक है, हम लोग एंथ स्टेज तक लिए है। द सिंगल वोल्टेज वी एस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सिंगल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वी एस इज अप्लाई टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। अगर वी एस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी इनपुट हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल हम लोग अप्लाई किए इनपुट। ठीक है, द फाइनल आउटपुट, यहाँ देखो वी आउटपुट इज देन अवेलेबल आउटपुट टर्मिनल ऑफ द लास्ट स्टेज, मीन्स हम लोग एक सिंगल इनपुट दे रहे हैं और सिंगल आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो फाइनल मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज और इनपुट टू द सेकेंड स्टेज इज गिवन बाय V1 AV इनटू V1। देखिए, सिंपली हम लोग वोल्टेज गेन का बात करें तो वो क्या होता है, वी आउटपुट बाय वी इनपुट होता है। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज गेन होता है। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेज का अगर इसका आउटपुट हम निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे मेरा गेन गिवन है और ये इनपुट है। ठीक है, AV इज इक्वल्स टू, हमको पता है वी आउटपुट बाय वी इनपुट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी आउटपुट क्या है मेरा, इसका वी आउटपुट मेरा V1 है, मीन्स AV1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन वी इनपुट। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सिंपली आउटपुट वोल्टेज V1 कैसे निकाल सकते हैं, तो V1 इज इक्वल्स टू AV1 इनटू V1। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ ईच स्टेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेयर देखिए, ये मेरा आउटपुट स्टेज हो गया फर्स्ट स्टेज का, वेयर AV1 क्या है मेरा, सिंपली वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज और आउटपुट और द इनपुट टू द थर्ड स्टेज, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, V2 इज इक्वल्स टू AV2 इनटू V1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका आउटपुट हम लोग फाइंड करेंगे वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू VN इज इक्वल्स टू AN इनटू VN माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए, इस पे अगर हम लोग देखें कि V2 का अगर फाइंड करें तो AV2 इनटू V1, मीन्स ये जो V2 है इससे मेरा एक कम है, इसलिए जस्ट इसका एक जनरलाइज फार्मूला nth टर्म के लिए हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वेयर AN इज द वोल्टेज गेन ऑफ द लास्ट nth स्टेज। वी मे लुक अपॉन दिस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एज सिंगल एम्पलीफायर हुज इनपुट इज V1 एंड द आउटपुट इज V0। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि एक सिंगल स्टेज, बहुत मल्टी स्टेज जो इस पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स है। ठीक है, अगर हम लोग सिंगल स्टेज का बात करें तो हम लोग एक यहाँ पे वी इनपुट दिया, हमको यहाँ से वी आउटपुट मिला, तो ओवरऑल इस पे वोल्टेज गेन क्या हम लोग लिख सकते हैं, AV इज इक्वल्स टू वी आउटपुट बाय वी इनपुट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला का जो था, पहला का आउटपुट क्या था, V1 अपॉन VI, सेकेंड का क्या था, V2 अपॉन V1, थर्ड का क्या था, V3 अपॉन V2, इसी तरह सिमिलरली मेरा यहाँ तक था। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से इसको देखिएगा तो सब कैंसल आउट होते जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा मेरा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ठीक है, ओवरऑल एक सिंगल स्टेज बन जाता है एक मेरा मल्टी स्टेज। ठीक है, द ओवरऑल गेन वोल्टेज गेन AV ऑफ एम्पलीफायर इज देन एज AV इज इक्वल्स टू V आउटपुट AV इज इक्वल्स टू V0 अपॉन VI। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली AV को क्या लिख सकते हैं,
फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन इंटू सेकेंड स्टेज वोल्टेज गेन, थर्ड स्टेज वोल्टेज गेन इंटू, ठीक है, लास्ट सेकेंड इन वोल्टेज गेन एंड लास्ट वोल्टेज गेन, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको ओवरऑल वोल्टेज गेन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखा है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द वोल्टेज गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरऑल से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम किसी भी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज पे कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल गेन मेरा क्या होगा, इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल स्टेज गेन, ठीक है। सिंगल स्टेज का गेन का सिंपली ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन होगा मेरा ओवरऑल गेन मल्टी स्टेज का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है, कैसे हम लोग कपल करेंगे, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज को, मीन्स एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को दूसरे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।